ये मन में पहले से होता था, और यहां आप लोग इतनी आसानी से साल भर पूरा परिश्रम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और धन सिंह जी आपका पूरा सहयोग करते हैं, और शानदार कौतिक जो कभी हमारे लिए बड़ा दुर्लभ होता था उसको जो है बीच शहर में लाते हैं। इसलिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे यह देखकर भी अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारी जो गढ़वाल सभा जैसी संस्थाएं, अभी गढ़वाल सभा इतना अच्छा काम कर रही है, और भी हमारी संस्थाएं अनेकों अनेकों क्षेत्रों में अनेकों कामों को करते हुए अपने सामाजिक जो दायित्व हैं उनका भी ठीक प्रकार से निर्वाह कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। देखिए, ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है इसका बहुत बड़ा महत्व है, और मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को जो इस काम में लगे हैं, क्योंकि हमने ये तय किया है कि जितनी भी हमारी ऐसी संस्थाएं जो हमारे लोक पर्व हैं, लोक संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए जो भी काम कर रहे हैं, मैं उन सब की सराहना करता हूं कि वो अपनी जड़ों से जुड़ने का लगातार काम कर रहे हैं, और खुद काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाली नई पीढ़ी, जो तमाम प्रकार के भौतिक साधनों में, भौतिक जो हमारा विकास हुआ है, उन सब के पीछे तो जा रही है, और अच्छी बात है क्योंकि ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, दुनिया आगे बढ़ी है, भारत आगे बढ़ा है, हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़ा है, सब लोग आगे बढ़े हैं। तो इस जो विकास की जो दौड़ है वो दौड़ चलनी चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित है और जो विज्ञान आधारित है, देखिए जो आज हम कौथिक करते हैं, मेले करते हैं, नवरात्र का व्रत करते हैं, या कोई भी हम त्योहार मनाते हैं, अगर आप उनको उनका साइंटिफिक रीजन सोचेंगे तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि थे, मुनि थे, वो उस समय में इनको करते थे, और आज अगर विज्ञान ने उस पर खोज की है, शोध की है, तो सारे के सारे वो विज्ञान आधारित हैं। आप इस बात पर सहमत होंगे कि पेट में दर्द होता था, छोटा सा एक पत्ता लिया, घोल घाल के जो है दे दिया और ठीक हो गए, हड्डी टूट गई, कुछ मोड़ माड़ के बांध दिया, हड्डी जुड़ गई, नाड़ी पकड़ी, जो आज आला पकड़ते हैं डॉक्टर हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है कि ये वो है, ये अच्छी चीज है कि जो ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ गया, लेकिन वो पुराने समय में जब साधन नहीं थे तब भी उन्होंने ये सब रास्ते खोजे थे। मैं आज अखिल गढ़वाल सभा जो हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थानों के इस प्रयास में लगी है, उनको मैं गहराई से, सबसे दिल की गहराइयों से सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो लगातार इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इगास पर्व हम कोई नया नहीं मना रहे हैं, ये तो हमारे यहां एकादशी के दिन, दीपावली के 11वें दिन जो है कहीं बूढ़ी दिवाली के नाम पर, कहीं जो है मिलन के नाम पर, कहीं जो लोग उधर कुमाऊं क्षेत्र में द्वितीया होती थी, पहले दिवाली के दो दिन बाद द्वितीया सिर पूजे जाते थे सबको धूप से, चूड़ों से, और जो रह जाते थे उनको जो है 11वें दिन एकादशी के दिन दोबारा पूछते थे, क्यों प्रमोद जी, और यहां सब विकास के रूप में कि हमारी दिवाली दोबारा है। लेकिन हमने कहा कि चूंकि हमारा लोक पर्व है, सभी मनाते हैं, तो एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए, हमें एक दिन पहले अगर हम छुट्टी करते तो बहुत सारे लोग जो बाहर रहते थे वो अपने गांव नहीं जा पाते, घर नहीं जा पाते, इंतजाम नहीं कर पाते, बच्चे भी तैयारी नहीं कर पाते, भेलो भी नहीं खेल पाते। वो राठ वाले आपके सब आए थे, उनके साथ वहां हमने बड़ा भेलो खेला, आपको धन सिंह भी आप उस दिन आपकी जगह भी हम लोग खेल के आ गए वहां, तो बड़ा अच्छा था। वहां पर कम से कम सैकड़ों हमारी माताएं बहनें
बुजुर्ग महिलाएं भी बढ़िया अच्छा मतलब इतना अच्छा खेल रहे थे कि जैसे कि वो पता नहीं खेल खेल के वहां से राट से जो है देहरादून पहुंचे होंगे। तो इसलिए हमने कहा कि दिवाली के अगले एक दो दिनों के अंदर इस बार पहले से ही छुट्टी घोषित कर देंगे, और पहले से छुट्टी घोषित कर दी और पूरे मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर धूमधाम से एक छोर से लेकर उस छोर तक, एक कोने से लेकर उस कोने तक, माने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी कोई ऐसा जिला नहीं था जहां इस बार इसकी धूम न रही हो। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। आज जैसा अभी धसमाना जी ने बताया कि यहां बड़ी संख्या में लोग थे और अभी भी काफी संख्या है, सारी कुर्सियां भरी हुई हैं, सारे लोग हैं यहां पर इतनी ठंड में भी। तो ये इस बात से पता लगता है कि हमारे जो कार्यक्रम करने वाले हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबका एक रुझान कौशिक के प्रति है। इसका श्रेय में पूरी हमारी जो मेला कमेटी है, कौशिक करने वाले लोग हैं, धसमाना जी हैं, अजय जोशी जी हैं, पूरी टीम है, हमारे विद्यालय के लोग हैं, उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यह भी मुझे बताया गया कि दो दिनों तक लगातार लोकगीत, लोक नृत्य और संस्कृति के विविध रूप दर्शकों को यहां पर देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और ये मेले या आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानेगी, इससे जुड़ेगी और जुड़कर इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, इसका विस्तार के लिए काम करेगी। और हमारी सरकार भी लगातार इसको लेकर गंभीर है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, ये विरासत हमारी आगे बढ़नी चाहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है उत्तराखंड देश और दुनिया का नंबर वन पर्यटन प्रदेश बनने के साथ ही जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके कारण भी जल्दी ही बड़े एक सांस्कृतिक हब के रूप में, एक कल्चरल हब के रूप में जाना जाएगा। उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड के जो हमारे जितने भी ऐसे मेले हैं, उत्सव हैं, इन सभी को हमने फैसला किया है कि प्राथमिकता के आधार पर उनको संरक्षण के लिए ठोस काम करेंगे, उनके लिए जो भी हो सकता है। जैसे अभी धसमाना जी कह रहे थे आप भवन बनाएंगे, धन सिंह जी यहां पर बैठे हैं, हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि भवन बनना चाहिए। और मैं भी ये मानता हूं कि अच्छा भवन बनना चाहिए, हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक है और भवन बहुत अच्छा बनना चाहिए। भवन देखिए, पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा, धन सिंह जी यहां बैठे हैं तो साथ में है तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन जो हम काम शुरू करें तो उसका बहुत एक अच्छा प्लान बनाकर, एक अच्छा प्लान बनाकर उसकी आप शुरुआत करिए। और वो भवन ऐसा होना चाहिए कि सैकड़ों साल भी लोग कहें कि धसमाना जी अध्यक्ष थे उस समय में ये भवन बना था। भव्य और दिव्य से ज्यादा जरूरी है कि उसका एक कोई जो नक्शा वगैरह, जो मैप वगैरह, जो हाँ इस प्रकार का बनाया जाए, उसका फसाद बनाया जाए। और शुरुआत करिए, देखिए लोग बहुत हैं आगे आने वाले। आज हमारे देश में दान देने वालों की, पुण्य के काम करने वालों की, आगे आने वालों की कमी नहीं है। उसका कारण है, जैसे लोग बहुत बार अभी हम लोग ये चर्चा करते हैं, जब WHO भी जिस समय बहुत चिंता में था कि भारत के अंदर कोरोना आ गया तो ये कोरोना कैसे व्यवस्थित होगा, कैसे संभलेगा, ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों का आह्वान किया। तमाम सारे जो है बड़े बड़े उद्योग घराने, बड़े बड़े काम करने वाले जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते थे, वो सारे के सारे लोग आगे आए। आज देखिए, हम अगर उसका हम कल्पना करेंगे, धन सिंह जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो इनके समय में और पहले के समय में, आज से दो साल पहले की हम बात करें, तीन साल पहले की, तो हमारे यहां पर ऑक्सीजन के प्लांट नहीं होते थे, ऑक्सीजन के जो क्या बोलते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं, कंसंट्रेटर नहीं होते थे, सिलेंडर नहीं होते थे, हमारे PPP किट नहीं होते थे, ICU नहीं होते थे, वेंटिलेटर नहीं होते थे।
और आज एक मतलब एक गुना दो गुना की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों गुना इसमें वृद्धि हुई है अवस्थापना सुविधाओं में। ये सब इन्हीं के कारण से हुआ। इसलिए अखिल गढ़वाल सभा भवन बनाएगी तो मैं समझता हूं कि प्रभु की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, और आप सब लोग इतना सुंदर काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं पड़ेगी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो महाअभियान चला है उसमें उत्तराखंड भी अपना योगदान दे रहा है। उत्तराखंड के अंदर बाबा केदार का प्रांगण हो या बाबा बद्री विशाल का प्रांगण हो, हमारे देव स्थान हो, सबको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तेजी से इस दिशा में काम चल रहा है। हमारे जितने प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हैं उन सभी को भी हमने कहा है कि प्लान बनाकर उनके पुनरुद्धार का काम तेजी से करेंगे। भाइयों बहनों, आज हम लोगों ने अभी इस समय अपनी 22 साल की यात्रा पूरी कर ली है। 22 सालों का ये कालखंड हमारा हो गया है और हम सबको मिलकर आगे सबको, क्योंकि हमारा राज्य देखिए जहां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमको बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, जहां हमको एक शुद्ध वातावरण, अभी दिल्ली चले जाइए आप, इस समय आप बाहर नहीं निकल सकते दिल्ली में, पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई है। और बहुत सारे लोग जो आते हैं उत्तराखंड तो अभी कह रहे हैं कि ये तो यार वो क्या, हम कहां से कहां स्वर्ग में पहुंच गए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी G20 का कोई कार्यक्रम में वो उसकी तैयारियों की कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इज सिंपली हेवन, मतलब उत्तराखंड तो स्वर्ग है उन्होंने कहा। तो जहां पर हमारे पास पर्वतराज, नदियां, हमारे वनों से आच्छादित एक ऐसा भूभाग है जो संपूर्ण दुनिया के अंदर मैं समझता हूं कम स्थानों पर होगा, जहां मैदान भी है, पहाड़ भी है, तराई भी है, भावर भी है, ऊंचा भी है, नीचा भी है, हर प्रकार का, ये केवल उत्तराखंड ही ऐसा है। तो हम सब लोगों ने मिलकर इसको, जहां हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा राज्य शामिल हो, उसके लिए हम सभी का आह्वान कर रहे हैं, सभी का समर्थन मांग रहे हैं, सबका मार्गदर्शन भी हमको चाहिए। इसके साथ साथ उत्तराखंड हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी जानी जाए, जिस प्रकार का हमारा स्थान है, उसके लिए भी हम सब प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है और मुझे विश्वास है हम सब मिलकर देवभूमि को जल्दी से जल्दी श्रेष्ठ देवभूमि, सर्वश्रेष्ठ देवभूमि बनाने का स्वप्न जल्दी ही पूरा करेंगे। आज के अवसर पर मैं पुनः आप सभी का बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे 6 बजे आना था लेकिन मुझे बताया कि थोड़ा विलंब से आइए, तो मुझे एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है। नहीं तो मेरा तो मन था कि इतने सुंदर कलाकार प्रकाश रावत जी वहां से छोलिया लेकर आए हैं, वहां से हमारे जोशी मठ वाले दूसरी टीम लेकर आए हैं, एक से एक जौनसार वाले आए हैं, अल्मोड़ा से आए हैं, उत्तरकाशी वाले हैं, टिहरी वाले हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे इन सभी कलाकारों का यहाँ पर उत्साहवर्धन भी करें। बहुत बढ़िया, 2 दिनों तक उत्तराखंड की छटा बिखेरेंगे, उसके बाद पूरे हिमालय की छटा बिखारेंगे, देश की छटा बिखेरने का काम करेंगे। और धस्माना जी आप बिल्कुल संकोच मत करिए, आप जो भी मांगोगे, नहीं भी मांगोगे तो हम भी जो है तब भी करेंगे, क्योंकि हम इस संस्कृति के संवर्धन और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम बिल्कुल हमारा मन से, वचन से, आत्मा से हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम इस भूमि में पैदा हुए हैं, इस भूमि में ही हमको ये सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए हम बिल्कुल मन से ये चाहते हैं कि हमारी ये सब सभाएं, सब हमारे कौथिक, हमारे मेले, ये आयोजन, लोक संस्कृति ये जीवंत रहे, और जीवंत ही नहीं रहे बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रचार प्रसार हो, इससे कहीं पर हम इसके लिए कोई कमी नहीं करेंगे। आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, यहां पर इतने सारे लोगों से मिलने का अवसर प्रदान किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक